जाओ जाओ चलो। पापा। अरे बालू, मैं तुम्हारे हॉस्टल में हूँ। वही रहिए पापा, मैं आ रहा हूँ। मुझे लेने के लिए मेरे पापा हैं, जाते वक्त यहीं मिलेंगे। हाँ बाय। श्री राम जय राम सीता राम। हे बोर हो रहे हैं यार, चलो फिल्म देखने चलते हैं। चलो चलो चलो। मेरे श्री राम, मेरे प्यारे राम, श्री राम। अरे नाला को कहाँ जा रहे हो? अरे सर आप आ गए क्या? नहीं आऊंगा तो मेरी सैलरी क्या तुम दोगे? सर हम लोगों ने सोचा आप नहीं आएंगे, हम बैठे बैठे वहाँ बोर हो रहे थे तो फिल्म देखने जा रहे हैं। तुम लोग पढ़ाई छोड़ करके सिनेमा देखने के लिए जा रहे हो? वैसे कौन सी पिक्चर है? सुपर हिट सर, एलकेजी में प्यार। एलकेजी में प्यार का क्या मतलब? नाला है सर। नहीं तो अच्छी मसाला मूवी है, चले। मसाला पिक्चर क्या मतलब है? अब गांव वाली लवर सर। गांव वाली लवर सर। गांव वाली लवर, उसमें क्या दिखाएंगे? जो भी होगा सर मजा आ जाएगा। मैं नहीं सुन सकता। सर शायद आपके भाग्य में मूवी देखना नहीं लिखा। पूरे किस लिए? ट्रेन बदल गया है सर। हमें तो एंजॉय करने दीजिए सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। चल 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 चल। ट्रेंड बदल गया, तुम मुझे बता रहे हो? ये ट्रेंड को बदलकर हर दर्शक के मन में हमेशा रह जाने वाली मूवी बनाने वाला डायरेक्टर कोई तो कहीं तो होगा। आएगा वो, बनाएगा, जरूर बनाएगा। हे भगवान, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं? पता नहीं मैं इतना बड़ा आदमी कब बन सकूंगा। ओह टाइम हो गया, कॉलेज जाना है। हाय पापा। बाय बाय। बालू। ये नालायक बचपन से ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अब इस कॉलेज में भी कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। क्या यार तू सोच रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ गया? ऐसा कुछ नहीं है, तेरे आने से बहुत खुश हो रहा हूँ। ठीक है, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। क्या करूँ यार, इस एक महीने में 30 कॉलेज देकर आया हूँ, किसी भी कॉलेज में टीचिंग पसंद नहीं आई, आखिर में मैं इस कॉलेज में आ गया। मुझे टीचिंग पसंद नहीं आई? अरे ठीक है तू चल। ए फर्स्ट डे क्लास जाएगा? कॉलेज ओपन होकर एक महीना हो गया, इडियट। चल अबे छोड़। बस कब आएगी? अब तू भी मन लगाकर पढ़ ले। अरे चलना, हटना। धक्का क्यों दे रहा है? अब सर आए उतर रही है यार। क्या बात है। ये क्या लड़की है यार, इस लड़की को देखते ही प्यार करने का मन करता है।
वैसे ही उस लड़की ने जो येलो ड्रेस पहना है, वो भी सुंदर है यार। hey, उस लड़की ने रेड ड्रेस पहना है। ए, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाजू में जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तुझे वो लड़की पसंद है? ए, मेरी आंखों में देखना यार, आज से वो लड़की मेरी लवर है। हाँ। इतनी सुंदर तो नहीं है। हाँ अब बोल, क्या कहा था? बोला था इतनी सुंदर नहीं है। हाँ यार एकदम करेक्ट, तेरे लिए वो लड़की नहीं, वो लड़की सही है। तेरी तो। चलो यार। गुड मॉर्निंग सर। ए, हिंदी 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 में सुप्रभात कहना चाहिए। ओके सर। हिंदी 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 में ठीक है गुरुजी कहना चाहिए। ठीक है गुरुजी। विराजमान हो जाओ। अरे मूर्खों, तुम सब उस 26 अक्षरों की अंग्रेजी पर मोह दिखा रहे हो, अपनी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी का गौरव करो, उससे प्यार करो। अरे हे भगवान, 56 अक्षरों वाली हिंदी भाषा का अभ्यास करने वाला महापंडित हूँ मैं। मेरी प्रतिभा को कौन पहचानेगा, कब पहचानेगा? पढ़ाई करने पर भी अगर सही संस्कार ना हो तो वो पढ़ाई बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। बड़े दिन हो गए, मैंने हिंदी भाषा को तुम्हारे मुंह से सुना है, इस सभा के समक्ष कह रहा हूँ, आज से मेरा प्रिय शिष्य यही है। धन्यवाद गुरुजी। तुझमें इतना टैलेंट है यार। अबे उसे सिनेमा की नॉलेज कम है, वो एक फिल्म का गाना था। यार बस जा रही है, क्या करूं? ठीक है, बाय यार, बाय यार। ए, यहां क्या कर रहा है यार? अरे यार बालू, उस लड़की को मैं कैसे प्रपोज करूं यार? चुप बे, लड़की को देखते ही प्यार कैसे? प्यार कब हो जाता है ये किसी को नहीं पता यार। ए, तो ही कोई आइडिया बता ना यार प्लीज। बचपन में इसकी वजह से ही लव लेटर लिखते हुए पापा ने पकड़ लिया था, सही मिला है, अब तो तू नहीं बचेगा यार। ए, इस लड़की को सिंपली नहीं, किसी अलग वैरायटी से रिस्क उठाकर आई लव यू बोल दे। किस तरह का रिस्क उठाऊं यार, तू ही बता। हाँ, तुझे प्रेम देश मूवी याद है? वैसे ही तू भी भाग कर बस को कैच कर और आई लव यू बोल दे। ठीक है यार, लेकिन उस बस में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी। कोई भी लड़की ना, उसके आसपास जब लोग हों तभी प्रपोज करने से पट जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना मैं सबसे सुंदर हूँ ऐसी फीलिंग आती है। अगर तुझे उतना ही डर लगे ना, तो उस बस को कैच करके आंख बंद करके ये रोज दे और प्रपोज कर दे। गो अहेड, चल जा। ओके यार, राइट, ऐसा ही करूंगा। ऑल द बेस्ट। ए राम बाबू, क्या है रे? अरे कहाँ जा रहा है तू? तू क्या कह रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? अबे मैं बोल रहा हूँ कहाँ जा रहा है? अबे जोर से बोलना। जा जा, चल जा। ये क्या सुसाइड करने जा रहा है क्या, जो ऐसे भाग रहा है? क्या यार, वो अब तक बाहर नहीं आया, सारी लड़कियां मिलकर उसकी धुलाई कर रही हैं क्या? चल चल देखते हैं क्या हो रहा है। ए राम बाबू, तू बस में गया था या सुहागरात के रूम में? चुप कर यार, सब इसकी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? इसने राम बाबू कहकर बुलाया तो पीछे मुड़कर देखा बस बदल गई, और फिर उस बस में चढ़कर आंखें बंद करके प्रपोज कर दिया, और जब आंख खुली तो वहाँ लड़कियाँ नहीं थी। तो कौन था यार? I love you Shirisha. छन से टूटे कोई सपना, जग सुना लागे।
तुम लोग मजाक मत करो हाँ, जो मैं सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ। हाँ ए, बीच में छोड़ने से क्या होगा बेटा, लड़ने से ही मिलेगी अपनी मंजिल। आप बैठ जाइए सर, आशीर्वाद मेरा। हम जिस पे चाहें उस पे विजय पा सकते हैं, कवि रहीम ने कहा था। माचिस, साबुन का टुकड़ा, कुत्ते का बच्चा, कागज का टुकड़ा, इनमें से किसी से भी तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। ये लो। ये क्या है गुरुजी? सफेद कागज है बेटा, इस पर तुम्हारे प्यार की कविताओं की रचना करके ब्रह्मास्त्र छोड़ो। कविताओं से क्या अपने प्यार को पा सकता हूँ गुरुजी? रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गुरुजी, मुझ में हिम्मत आ गई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तुम कितने बड़े विद्वान हो, अच्छी प्रेम कविता की रचना करके उसको सुनाओ, तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। विजयी भव बेटा। प्रिया, तुम्हारी दोस्त शिरीषा कहाँ है? क्यों? ये पर्सनल है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त शिरीषा से प्यार करता हूँ। डायरेक्टली बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए उस पर जो प्यार है ना, उसे देखो इस लेटर में लिख कर लाया हूँ, उसे देना है। पहले उस लव लेटर में क्या लिखा है पढ़ो, बाद में मैं ही उसे दे दूंगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरुवे नमः। ये कविता है? नहीं, स्टार्ट करने से पहले गुरु का नमस्कार कर रहा हूँ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कविता और अच्छी होगी, पढ़ो। डियर शिरीषा, अगर तुम साथ रहो तो मोमबत्ती में मोम बन जाऊंगा, तुम्हारे बालों में गजरा बन जाऊंगा, तुम हाँ कहो तो तुम्हारे पापा का पूजने वाला नंदी बन जाऊंगा, नहीं तो नाली का सुअर बन जाऊंगा, शादी हो तो तुम्हारे घर का पालतू कुत्ता बन जाऊंगा, तुम्हारा बोझ ढोने वाला गधा बन जाऊंगा, तेरी आंखों का काजल बन जाऊंगा, नहीं तो शौकी कब्र बन जाऊंगा, परेश रावल हीरो बन जाए, जॉनी लीवर विलेन बन जाए, तुम मेरी डियर हो, मैं तुम्हारा फीवर हूँ, तुम्हारा लवर प्यार से राम बाबू। ये लव लेटर है क्या? अगर ऐसा लव लेटर लिखोगे तो कोई भी लड़की चप्पल से मारेगी। तो और कैसे लिखूं? तुम ही मेरी जान हो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये लिखना चाहिए? ये सब नहीं, अगर तुम लव लेटर लिखने की स्टेज पे आ गए हो, रुको जरा, तो तुम अपने अंदर कुछ अलग फील करोगे। अगर तू लव लेटर लिखने के लिए इतना बड़ा हो गया है, चल चल चलते हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एज की प्रॉब्लम है, अब कभी ऐसी कोशिश मत करना, जाओ यहाँ से। छी, अपनी तो किस्मत ही खराब है। ये सब आप कैसे जानती हैं? मेरी माँ कहती थी। हाँ, तुम भी हमारी क्लास में हो ना, अब से हम फ्रेंड्स हैं। जस्ट फ्रेंड्स ही? हाँ। ओके। क्या हुआ यार? मैं प्यार में हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं मर जाऊंगा। प्यार में फेल होने पर मर जाएगा? प्यार का मतलब ही जानता है तू? तू जानता है क्या? बताता हूँ, सुन। यू लिसन टू दिस सॉन्ग, प्लीज डोंट लव। Thank you.
बेकार के लोग जो काम करते हैं उसे प्यार कहते हैं, समझे? उसे प्यार कहते हैं। राम बाबू, आई टू लव यू राम बाबू। तो तुम अब जाकर प्यार का नाम ले रही हो? यू आर माई जस्ट गर्लफ्रेंड। चलो एंजॉय करें। प्यार करने पर मरना नहीं चाहिए, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। हे बालू, हम टिकट लेकर रखते हैं, तुम प्रिया को लेकर आ जाओ। हे हे, जाऊं क्या? नहीं नहीं, लेकर जाऊं? नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। ऑटो। हे भगवान, बच गया। ए, राम बाबू कहाँ है? वो बाइक से ही लड़की को उठा के ले गया। ए, रुको, पहचान के लोग हैं, थोड़ा वेट करो। ए, क्या कर रहा है वहां कॉर्नर में? बैठ, आसान रहेगा। तू आँख बंद कर ले, यही कर लेता हूँ। ज्यादा मत बोल, काम कर। सीनू, कल वैलेंटाइंस डे है सीनू, मुझे गिफ्ट दिलाओगे ना? एक किस दो ना प्लीज। गिफ्ट दिलाने के बाद ही सब कुछ। अरे यार, फिर से मुझे भीख मांगना पड़ेगा। ए, हल्के में लेना यार। क्या एंजॉय कर रहे हैं यार। अबे तू यहाँ पे क्यों बैठ गया? वहाँ डिस्टर्ब हो रहा था यार। अबे हम भी तो डिस्टर्ब होंगे ना। तुम लोग मूवी देखने आए हो ना, तेरी मूवी बाजू में ही है, देख ले। ये लो। थैंक यू। ना ये सरकारी है ना गैर कानूनी, काम से हीरो ना मैं गब्बर। चुप हो जाओ बेटा। चल बालू, मिलते हैं बाद में। चल बाय। चलो यार, आ रहा हूं। बुला दूं क्या? क्यों, मैं पीछे बैठूंगी तो बाइक नहीं चला पाओगे। हाँ,
क्यों, आपको टू साइडेड बैठना नहीं आता क्या? कितना सुंदर है ये, छोटी छोटी आंखें इसकी, कितना प्यार आ रहा है। ए, मेरे पास भी बहुत सारे टेडी बियर्स हैं, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? ए, तुझे ये टेडी बियर की तरह दिखाई दे रहा है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वैसे भी बॉयफ्रेंड के गिफ्ट में कितना सुख होता है तुझे क्या पता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़े ना है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इससे पूछ सोने के वक्त लिपस्टिक क्यों लगा रही है वो। हाँ, तू रात में लिपस्टिक क्यों लगा रही है? इसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मंगवाया है, सारी दोपहर उसी के साथ रहती हूँ, और रात में जब ये लिपस्टिक मेरे होंठों पर हो ना, तो उसे किस करने की फीलिंग आती है सच में। बॉयफ्रेंड के गिफ्ट में इतना थ्रिल होता है। हमने इसे बहुत अच्छा समझा था यार, लेकिन हमें देखकर ये भी बिगड़ गया। तू क्या कह रहा है? थिएटर में लड़की के बगल बैठना, बाइक पे राइड्स कराना, ये सब क्या है? हाँ, अरे बालू, प्रिया। हाँ यार, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। चल भाई, चलते हैं। बाय बाय। तू जा, मैं आती हूँ। बालू, ये शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। बॉयफ्रेंड के गिफ्ट में कितना सुख होता है तुझे क्या पता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़े ना है। क्या हुआ प्रिया, कुछ सोच रही हो? मेरी एक हेल्प करोगे? हेल्प? क्या चाहिए बताओ। वो मुझे एक नेल पॉलिश दिलाओगे? नेल पॉलिश? हाँ, अपने आप ही खरीद सकती हो ना। तुम दिलाओगे तो बात अलग होगी। ओके, नेल पॉलिश है ना, एक मिनट। ये लो नेल पॉलिश। वाह, पिंक, माय फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच। यस। पता नहीं प्रिया क्यों कल से पागलों की तरह बर्ताव कर रही है, मैं भी इसी ड्रेस में आ गया। शायद इसी पागलपन को प्यार कहते हैं। हाय बालू। हाय प्रिया। ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। जब से नेल पॉलिश लगाई है तुम्हारी याद आ रही थी। ये देख, इसे देख, हफ्ते से बदबू आने पर भी इस टी शर्ट को उतार नहीं रहा है। क्यों, उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया ना, इसलिए। इसे देख, रात में कोई सनग्लास लगाता है क्या? वैसे भी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट में कितना थ्रिल होता है तुझे क्या पता। मैंने तुम्हें वो नेल पॉलिश खरीद कर दी ना, तुम भी मुझे कुछ खरीद कर दे सकती हो ना। हाँ, क्या चाहिए बोलो। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट वो तो तुम खुद खरीद सकते हो। तुम दिलाओगी तो उसका केक ही अलग होगा। ओके, ब्रेसलेट ही ना, एक मिनट। प्रिया, प्रिया, ब्रेसलेट। वाओ, बहुत सुंदर। नाइस सिलेक्शन, बहुत अच्छा है। इतनी देर हो गई, वो अब तक क्यों नहीं आ रही है? मेरी सहेलियां वेट कर रही हैं, मैं चलती हूँ।
इस पागलपन को ही प्यार कहते हैं। कन्फर्म। हेलो। हाँ पापा, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। अभी ये बात पापा को बताऊं? बताऊंगा तो पक्का मना कर देंगे। ऐसी क्यूट फीलिंग्स नहीं मिस कर सकता, इसलिए बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है पापा, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है पापा, बाय बेटा। बाय। कल इसका बर्थडे है, सुबह नाश्ता करके मंदिर जाएंगे, दोपहर में लंच करके स्नो वर्ल्ड जाएंगे, शाम में सिनेमा के बाद पब जाएंगे। क्यों, बाद में लौट जाएगी? मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी मर्जी। कल तुम्हें बर्थडे बॉय की तरह दिखना है, दिखोगे ना? क्यों, मरना है क्या? लव यू डार्लिंग। ए, ज्यादा किसेस मत कर, बॉयफ्रेंड फट जाएगा। भाग रहे हो? आओ सो जाओ ना। मैं भी ना ये क्या गलत सोच रहा हूं। शाम को मुझे ले जाने के लिए मेरे पापा आ रहे हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज बताने वाली हूँ। क्या है, अभी बता सकती हो ना? सस्पेंस, शाम में जाते वक्त ही बताऊंगी। तो जाने से पहले मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। प्रिया, अब ठीक है ना? पापा? अरे बालू, मैं तुम्हारे हॉस्टल में हूँ। वहीं रहिए पापा, मैं आ रहा हूँ। मुझे लेने के लिए मेरे पापा हैं, जाते वक्त यहीं मिलेंगे। हाँ बाय।
बालू कहाँ है यार? पता नहीं यार, आजकल वो प्रिया के ही पीछे पड़ा रहता है। इसे क्या हो गया यार, क्या हुआ? सिंपल ब्लड टेस्ट के लिए नए हॉस्पिटल में गया था। कुछ पैसों के चक्कर में उस नए डॉक्टर ने ब्लड निकालने की बजाय। अबे तुझे क्या हो गया? ये जिस हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए गया था, मैं भी उसी हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए गया था। मतलब कि तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुमको पता नहीं है क्या? लेकिन हमारा प्यार सच्चा है पापा। प्यार करने वाला हर इंसान यही सब तो कहता है, तो 90% प्यार करने वाले बिछड़ क्यों जाते हैं? मुझे एक बात बता, इतने दिनों से तुम्हें प्यार में किस करने का, उस लड़की को छूने का मन नहीं किया? तो फिर सच्चा प्यार कैसा होता है पापा? आदम, ईव, रोमियो, जूलियट से लेकर जितने भी हैं आज तक, प्यार, दोस्ती, अट्रैक्शन, ये तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन उसकी सही परिभाषा देने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कितने साल कंट्रोल करना पड़ेगा पापा? साल की जरूरत नहीं है, 6 महीने नहीं रह सकते आजकल की प्यार करने वाले। इतनी जल्दबाजी करने के लिए मैं साधारण पिता के हाथ में नहीं पलाऊं पापा, मैं सोचकर ही बोल रहा हूँ। इतने दिन तुम्हारी छाया में बढ़ने वाले बेटे को देखा, आज से अपने आप डिसीजन लेने वाले बेटे को देखोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ पापा। आज शाम को तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? अगर मैं जो कहना चाहता हूँ कह दूं तो तुम्हारे कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, पहले तुम ही बता दो। सोचा था जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। आई लव यू। ए, तुम भी मुझसे यही कहना चाहते थे ना? सच बोलो। यही कहना चाहता था, लेकिन अब नहीं कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम्हारे पापा को बता दिया? क्या कहा उन्होंने? टीनेज में फिजिकली जो बैड फीलिंग को कंट्रोल कर सके वही प्यार होता है बेटा, अगर उसे कंट्रोल ना कर सके तो वो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन? अट्रैक्शन नहीं, हमारा प्यार ही है। पता नहीं क्यों मुझे ये अट्रैक्शन लग रहा है प्रिया, नहीं होता तो कल हम पार्क में ऐसे जल्दबाजी नहीं करते। वैसे भी प्यार का मतलब तुम सही समझा सकती हो? प्यार का सही मतलब नहीं पता ना, क्योंकि सच कहूं तो हम अभी प्यार की ABCD भी नहीं जानते। सारे बड़े कहते हैं कि इस एज में प्यार नहीं अट्रैक्शन होता है। हमारा प्यार है या अट्रैक्शन, ये हमें पता लगाना चाहिए। हमारे टीनेज होने तक हमें वेट करना होगा। उसके बाद भी हमारे बीच प्यार है, ये कैसे साबित करेंगे? हमारी PG होने के लिए 6 साल हैं, तब तक हम ऐसी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेंगे। इतना ही नहीं, जिस दोस्ती, प्यार, अट्रैक्शन की परिभाषा अब तक कोई नहीं पता कर सका उसे पता लगाएंगे। फिर तो हमारे बीच प्यार ही है, इसके लिए मान जाओगे ना पापा? अगर ऐसे 6 साल हम कंट्रोल कर लें तो प्रेमी की तरह हम उनके सामने हिम्मत करके खड़े हो सकते हैं। पेरेंट्स इस उम्र में बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से प्यार के बारे में जो कहा जाए हम उसे आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दोस्ती, प्यार, अट्रैक्शन का डिफरेंस सही से किसी को नहीं पता, इसलिए वो डिफरेंस हमें पता करना होगा। कहते हैं प्यार करने के बाद प्रेमी सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन बालू तुम सारे प्रेमियों के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारी सोच मुझे पसंद आई, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। फिर 6 साल बाद क्या? मुझे भी नहीं पता। कहते हैं अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो भगवान ही हमें रास्ता दिखाते हैं। ए बालू, देखते हैं भगवान हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं। ए बालू, जल्दी आओ ना बेटा। प्रिया, चलो बेटा चलते हैं, टाइम हो गया है।
प्रिया तुम यहाँ बैठ जाओ बेटा। हाँ। क्लासरूम कहाँ है मैं पता करके आता हूँ। ठीक है पापा। हाँ तुम बैठो। बालू चाय ले लीजिए मैडम। नहीं चाहिए। बेटी प्रिया चलो चलते हैं। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है बालू। रामू काका। हाँ। आज बालू की काउंसलिंग है। उसको जगा दो। हाँ ठीक है ठीक। रुको। हाँ जागने के बाद एक कॉफी दे देना। ठीक है। बालू बालू प्रिया बेटा बेटा क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ छोड़ो मुझे। हे भगवान क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी लेकर आया था बेटा। दत्त जाओ। हे भगवान ये तो सुना था कि प्यार में पागलपन बढ़ जाता है लेकिन ये तो ज्यादा बढ़ गया और मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो। हाय प्रिया। हे भगवान हर जगह वही दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या कर रही हो? दिस इज फॉर यू। आप कौन है? 4 महीने तक मुझे देखा नहीं इसलिए शायद भूल गई है। अरे प्रिया मैं तुम्हारा बालू। ए, जाओ यहाँ से। सच बताओ प्रिंसिपल हो या स्वीपर हो? तू रुक ऐसे नहीं सुनेगी। बालू तुम सच में हो? तुम यहाँ कैसे आए? हर जगह तुम ही दिख रहे थे इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। वैसे भी ना दूर रहकर नहीं पास रहकर अट्रैक्शन की फीलिंग रोकनी चाहिए इसलिए कॉलेज चेंज करके यहाँ आया हूँ। सच में दूर रहने पे ही पास होने की फीलिंग आ रही है। अब बगल में हो तो। ए, वापस अट्रैक्शन। सुनो प्यार है अट्रैक्शन मुझे नहीं पता मैं पागल हो रही हूँ। ऐसे ही सारा यूथ पागलपन में है उसे ही तो दूर करना हमारी कोशिश है। ठीक है बताओ क्या करना है? आज से जो हम फील करते हैं उसे नोट करेंगे रोज शाम में उस पर डिस्कस करेंगे उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स पता करेंगे। इस तरह हमें 6 साल में जो टेक्निक्स मिलेंगी वो प्रेमियों के लिए इंस्पिरेशन होंगी। हमारे पेरेंट्स के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा प्यार सच्चा है। समझ आया? क्या समझ में आया? कल शाम को ऐसे ही मिलेंगे। जाने दो। Oracle, it's easy. Computer network net, for dunga. CP programming data structure, it's after all. Java, मुझे ये बहुत अच्छा आता है. Units network programming, okay, बहुत देखा है. Excuse me sir, इन्हें नोट कर लीजिए. फर्स्ट ईयर वालों को इन बुक्स की जरूरत नहीं है बेटा इसमें फाइनल ईयर की बुक्स भी है। IIT में पास होने के लिए फर्स्ट क्लास से तैयारी कर रहा हूँ इसलिए फोर्थ ईयर के लिए अभी से तैयारी में लगा हूँ। इन बुक्स से इस कॉलेज में सेंसेशन क्रिएट करने वाला हूँ सर। नोट कीजिए। ये कोई पागल लग रहा है। पढ़ाई कम करते हैं बिल्डअप ज्यादा देते हैं। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। जिनको पढ़ाई नहीं आती वो पढ़ो पढ़ो कह के परेशान करते हैं। सर गधा हमेशा गधा ही रहता है शेर नहीं बनता। मेरे जैसे शेर को इंक्रेज कीजिए। रैंक्स रैंक्स लाकर दिखाएगा। लिखिए जल्दी। ऐसे लोगों को देख देख कर आधा गंजा हो गया हूं। अब ऐसे लोगों को देख कर पूरा गंजा हो जाऊंगा। हाँ लेकर जाओ बेटा। अब देखिएगा सर फैसला तो होकर रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स विप्रो के अजीम प्रेमजी या इंफोसिस के न्यायमूर्ति या फिर मैं रहूंगा। यो काउंटडाउन स्टार्ट। चलो रे। सारे के सारे पागल हो गए लगता है। कह रहा है सेंसेशन क्रिएट करेगा इन सारी बुक्स को पढ़कर नई बुक लिखेगा। ये सारी बुक्स पढ़कर एक नया प्रोग्राम रेडी करूंगा। इस प्रोग्राम के रेडी हो जाने के बाद बिल ग्रेट्स हमारे पास खुद ही आएगा। टेंशन हो रहा है यार ये प्रोग्राम क्या है? hey, देखो सब लोग Oracle.net पर लिखते हैं लेकिन मैं इन सबको मिलाकर एक नया प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। वो सब प्यार पर लिखने वाला हूँ। प्यार पर? यस। लाइफ में कुछ नया करने से ही थ्रिल मिलता है।
अब तक प्यार के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन एक लवर के मन में अपने प्यार के बारे में क्या चल रहा है उसी प्रोग्राम को ढूंढने में लगा हूँ मैं। तुम्हारा जवाब नहीं है। तारीफ मत करो मेरी। कहाँ जा रहे हो? जब तुम रूम क्लीन करोगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम तो यहाँ से जा रहे हैं। रूम क्लीन? मैं तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा हूँ? जाकर बैठ जाओ। सब की तरह लेसन टीच करना मुझसे नहीं होता, हर चीज प्रैक्टिकली बताने मेरी आदत है। एनवायरमेंटल साइंस लेक्चरर, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। म्युनिसिपैलिटी क्लीनिंग में उल्टे जवाब मत दो। तुम में कितना टैलेंट है पता करने के लिए? मैं तुमसे जो जनरल क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना होगा। आपका क्वेश्चन खत्म करने से पहले उसका आंसर देने का टैलेंट रखने वाला एक बात स्टूडेंट है इस क्लास में, वो मैं हूँ। तालियां बजाओ। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। अगर एक बिल्ली 2 मंजिल से नीचे कूदे तो उसके 2 पैर टूटते, अगर वही बिल्ली 3 मंजिल से नीचे कूदे तो उसके कितने पैर टूटेंगे? 3 पैर। रॉन्ग आंसर। क्यों? अगर वो बिल्ली 3 मंजिल पर से 2 पैरों के साथ कूदे तो उसके 2 पैर टूट सकते हैं, अगर वो बिल्ली बैलेंस बनाकर नीचे कूदे तो दोनों पैर नहीं टूटेंगे। इसका सही जवाब हम नहीं बता सकते। मतलब अगर वो 2 मंजिल से एक ही पैर पे कूदे तो उसका एक ही पैर टूटेगा, अगर वो उसी पैर पे बैलेंस बनाकर कूदे तो उसका एक भी पैर नहीं टूटेगा। मतलब मैंने जवाब सही दिया है, आपका क्वेश्चन गलत है। इसने तो सही कहा है शायद। देखा ना कैसे चुप करवा दिया, ये है अपना टैलेंट। हे, वहां नहीं, बालू की जगह है, जाओ। बालू? तो तुम यहां हो? हाउ इज इट? ये सर में लगाने की क्लिप नहीं है, इसे ड्राइंग बोर्ड पे लगाते हैं। दीदी, दीदी, मुझे ताकि मत देना, दीदी, छोड़ो। मुझे लग रहा है यही लक्ष्मी बाई की बेटी होगी। सॉरी। ए, ये ड्राइंग छोड़ के ये क्या कर रहे हो? सर सर, आपके ही पास आ रहा था, इस लड़की को एक छोटा सा डाउट था, वो मैंने पूरा कर दिया। आइए मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। आइए 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 सर, इधर से आइए, आइए आइए। ये देखिए सर, कैसी है बताइए सर। ये क्या फालतू लाइन खींची हुई है? जो मैंने बताया था वो कुछ नहीं है इसमें। एक काम कीजिए, टॉप एंगल से देखिए, टॉप एंगल से, है ना सबसे अच्छी? है? है? इसमें कुछ भी अच्छा सच नहीं। सच में? एक काम कीजिए, थोड़ा झुकिए। अरे झुकिए ना, झुकिए। अब यहाँ से देखिए, लो एंगल से। ए ए ए ए ए, है ना सुपर, सबसे अच्छी है ना मेरी ड्राइंग? ऐसे क्यों डरा रहा है? पागल लग रही है दिखाकर। ऐसे बूढ़े लेक्चरर्स की वजह से ही मेरे जैसे जीनियस की क्रिएटिविटी कम हो रही है। हाँ, सुन लिया क्या? साफ साफ सुन लिए। आप रिटायर कब हो रहे? तुम्हारा पास होना और मेरा रिटायर होना एक ही साथ होगा। यूज़लेस फेलो, कौन से एंगल में देखने से क्या दिखता है ये मुझे नहीं पता क्या? She's sincere. शायद सिर्फ मुझ में ही ऐसी फीलिंग्स हैं, लेकिन नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा। बताओ आज क्या नोट किया प्रिया? मुझे बार बार तुम्हारी याद आ रही है, मन करता है तुम्हें देखती रहूं। करेक्ट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर हमें एक दूसरे को देखने का मन करे तो हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए? उस फीलिंग्स का रिजल्ट याद कर लें तो बस हो जाएगा, हम खुद को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। रिजल्ट मतलब? रिजल्ट मतलब हमें जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। अगर उसमें बेनिफिट्स ज्यादा हो तो वो गुड फीलिंग्स हैं, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं तो वो बैड फीलिंग्स, कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मुझे और मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, इसकी वजह से हम किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, करियर पर, स्टडीज पर, पेरेंट्स पर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ड्रॉबैक्स हैं। जब हमारा देखने का मन करता है उस एक मिनट ही हम खुश रह सकते हैं, बस यही एक बेनिफिट है, इसलिए बैड फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा।
बार बार अगर ऐसा ही होता रहे तो रिजल्ट याद कर ले बस। सुपर, तुम्हें ये थॉट आया कैसे? पता नहीं, कहा था ना मन में अगर दृढ़ संकल्प हो तो भगवान ही हमें सही रास्ता दिखाता है। ऐसे रिजल्ट याद करके कोई भी फीलिंग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी फीलिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ए प्रिया, तू भी पढ़, तेरे इस तरह रहने से हमारा कंसंट्रेशन भी जा रहा है। ये ऐसे ही रहेगी, हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं, चल। प्रिया, 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 मैं हूँ प्रिया बालू। तुम हो? पता है। प्रिया छोड़ो। हे प्रिया, प्रिया ये क्या कर रही हो? क्या है? तुमने कहा 6 साल तक रुकना पड़ेगा। प्यार करने वाले रुकते हैं क्या कभी? इसका मतलब तुम नहीं रुकोगी? नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। प्रिया, 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 पापा! उस फीलिंग्स का रिजल्ट याद कर लें तो बस हो जाएगा, हम खुद को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरी ये फीलिंग सही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? शी इज प्रेग्नेंट। इतने ड्रॉबैक्स हैं। नो, दिस इज ए बैड फीलिंग, कंट्रोल इट, कंट्रोल इट। ये क्या कर रहा है तू? सर वो पेन की इंक खत्म हो गई, पेन मांग रहा। पेपर उठाओ, गो एंड सिट देयर, वहां जाकर बैठो, बैठो, बैठो। इसके रिटायर होने तक मैं पास नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, दिखाइए ना थोड़ा। भाव खा रही है। एक्सक्यूज मी, कैलकुलेटर चाहिए सर। तुम्हारी सेवा कर करके मैं थक गया हूँ, और कुछ चाहिए? वो क्या है, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी कॉफी मिल जाए तो अच्छा रहने दीजिए। थैंक यू सर। चंद्रा, 20 out of 20। प्रिया, 4 out of 20। Very bad. You should improve a lot. Balu, 18 out of 20. Okay, keep it up. Thank you, sir. Venu, 20 out of 20. Thank you, sir. Something is wrong. तुम्हें 20 out of 20 कैसे मिले? It's okay, sir. How is it possible? चंद्रा के पास से आपको कैलकुलेटर लाने को कहा। आपने लाके दिया। मेरे कैलसी देने के और तुम्हारे मार्क्स आने के बीच क्या संबंध है? इसमें आपको क्या समझ में आया सर? इससे मुझे ये समझ आया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए। ये पहले सोचना चाहिए था ना। मेरे जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज तक नहीं देखा होगा आपने। फोर मार्क्स। क्या हुआ प्रिया, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की? कहाँ यार, किताबें खोलती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता, बस तुम्हारी याद आती रहती है। बहुत ट्राई किया लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम पागलों जैसा बर्ताव कर रही हो? पता नहीं, सच में पागल हो जाऊंगी, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। देखो प्रिया, हमें पेरेंट्स मेहनत करके इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम एग्जाम अच्छे से लिखें, ऐसे पागल बनने के लिए नहीं। अगर इस बार भी ऐसे थॉट्स आए तो उनकी हमसे उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम्हें पता है हमें पढ़ाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं? एक बार सोचो, ऐसे कोई भी थॉट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। डोंट रिपीट, सोच लो। मैं ऐसा ही करूंगी।
प्रिया, ए प्रिया, क्या हुआ? तब से वही पेज देख रही है। उनकी हमसे उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम्हें पता है हमें पढ़ाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, एक बार सोचो। बेटी प्रिया, तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गई हो। जब हमारी बेटी इंजीनियर बन जाएगी तो अपने घर की डिजाइनिंग बहुत शानदार कराऊंगा, क्यों बेटा? नहीं। गुड मॉर्निंग सर, ड्रेस बहुत अच्छा है। हाँ, गुड मॉर्निंग, चलो आओ। अरे यार, गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। इस बार तीन लोगों के ही 20 में से 20 आए हैं। चंद्रा 20x20, तुम क्यों आया? नेक्स्ट मेरा ही है ना। नेक्स्ट? यस सर। बालू 20x20। प्रिया 20x20। वेणु? मैं हूँ। सुनो सब सुनो। कितना सोचा था? बहुत होगा, आप खुद शॉक हो जाएंगे। 0 out of 20, बिग 0। मजाक नहीं, ठीक से देखिए। सच कह रहा हूँ, ले लो। ये क्या सर, अगर चंद्रा को 20 आए तो मुझे 0 कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। हे रुक, क्यों लेक्चरर्स को ही धोखा देना चाहते थे? सर क्या है? कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर चाहिए? हम भी इसी स्टेज से आए हैं, चल। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बैठो। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये ड्रेस बदबू मार रही है सर। बदबू मार रही है? मेहनत करके खेत में बीज बोकर, पानी डालकर, फसल उगाकर, पसीना बहाकर, गेहूं पीसकर, बनाकर देने पर तुम्हारे पेट में खाना जाता है, ऐसे गटअप में तुझे बदबू आ रही है, पागल? सॉरी सर, एरम इतना सीरियस क्यों हो गया? ये कौन रो रहा है? तुझे क्या हुआ? मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है सर। ये तो ज्यादा ही सीरियस हो गया। तुमने जैसा कहा वैसा किया, रिजल्ट 20 out of 20। वेरी गुड, आज क्या नोट किया? भैया जी, बालू भैया। मेरे पापा हैं, बाद में मिलते हैं, तुम जाओ। बाय। क्या पापा, हमेशा अचानक आ जाते हैं? क्यों ना हो बेटा, चिंता रहती है। अभी मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? इस बार मुझे लगता है मैंने गलती की है। ये क्या पापा? कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद से तुम लोगों पे नजर रख रहा हूँ। तुम आपस में फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं बेटा, प्यार करो, मैं उसके घर वालों से बात कर लूंगा। क्या पापा, आपको ही मेरा रोल मॉडल, मेरा गॉडफादर माना था। अगर आप उस सोच को नहीं जगाते तो मैं सबकी तरह पागल प्रेमी बन जाता, लेकिन आज महान प्रेमी बनने वाला हूँ। क्या हासिल करूंगा पता नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर हासिल करूंगा पापा, मुझे इनकरेज कीजिए। शांत हो जाओ। आज का टॉपिक पर्यावरण, उसका परिरक्षण। पर्यावरण का टॉपिक था तो ये पत्ते पहन के आया, अगर कहीं निषेचन का टॉपिक होता तो। अरे सुजाता, आंखें बंद कर लो। सिचुएशन आई है इसलिए पूछ रहा हूं, पेड़ पहले या बीच पहले? ए इंटेलिजेंट, तुम बताओ। ये कैसे बता सकते हैं सर? क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर बताने का टैलेंट है ना, बताओ। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा। क्या है, पूछो, अभी जवाब दे दूंगा। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, पता है, पहले इसका जवाब दीजिए, मुर्गी पहले आई या अंडा? इसकी तो बेवजह ही इसे छेड़ दिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बताइए सर। इसका जवाब कल सोचकर बताता हूँ, पहले बैठ जा, टॉपिक पर आते हैं। ये हुई ना बात, क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चला था, फंस गया ना। आज तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। चलो अच्छा है, पीछा छूटा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़,
गेट के रिजल्ट्स आ गए हैं। तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम सबको टॉप यूनिवर्सिटीज में पीजी सीट्स मिलेंगी। कल रिकॉर्ड सबमिट करके एग्जाम्स अच्छी तरह से लिखो। ऑल द बेस्ट माई स्टूडेंट्स। क्या हुआ सर? नया शर्ट। जावा दो, जावा दो, ये ले यार, जावा दो यार। हाँ जानकी, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, नया शर्ट चमक रहा है, मैं आ रहा हूँ। डीएस दे, डीएस दे। एए, और खिला दे, और खिला दे। हाँ हाँ, क्लिक। यस यस यस, हो गया यार। अब देखना तुम लोग, ये नया प्रोग्राम वो क्या है यार? में आग लगा देगा। वो क्या है यार? आओ, कम ऑन, आओ, कम ऑन, आओ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। सेंसेशन क्रिएट करेगा यही तक यार। रुको यार, मैंने एक नई चीज खोजी है। वो क्या है? लव का मतलब यही होता है, सब कुछ खत्म, डेंजर, ये नहीं करना चाहिए। सर, नई शर्ट। जानकी, टैबलेट लेकर दूध पीकर सो जाओ बेटा, बुखार कम हो जाएगा। अभी कुछ नहीं चाहिए माँ, दवाई वहां रख के तुम जाओ। मेरी बात तो मानती ही नहीं। प्रिया, कैसी हो? कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस 2 सालों में हमारा प्यार जीतने वाला इस खुशी के सामने ये छोटी सी बुखार मुझे परेशान नहीं कर रही है। ए बालू, फिर से अट्रैक्शन? हे, वापस अट्रैक्शन। और 2 साल कंट्रोल करो। ठीक है, चलता हूं। Hey, वापस आ गया? कल से मेरी बेटी तुझे याद कर रही है, मेरी बेटी पे क्या जादू कर दिया बता। हाथ हटाइए। कहा ना हटाइए। आपकी बेटी मुझे याद करने के स्टेज में आ गई, आप क्या कर रहे थे? बेटी को कॉलेज ज्वाइन कराने से पैसे भेजने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अगर आप जैसा सोच रहे हैं, वैसे प्यार करता तो आज बुखार में है देखने के लिए नहीं आता, यही मौका है ये सोचकर दूसरी लड़की के साथ बाहर घूमता। वैसे भी हमने कंफर्म नहीं किया कि ये प्यार है, तो आपने कैसे कंफर्म कर लिया? आज प्यार करके कल भूलकर परसों किसी और लड़की को देख लूं, उतना चीप कैरेक्टर नहीं है मेरा। जहां वैल्यूज की कदर है उस फैमिली में पैदा हुआ हूं। प्यार कैसे करना है मैं जानता हूं, बेटी को कैसे पालना है आप जान लीजिए। चलता हूं सर। घर के बीच में खड़े होकर धमकाकर अपनी बेटी को दोगे या मरोगे बोलकर कहने वाले को देखा है? पैर को धोकर कन्यादान करोगे या पैर फिसलने दोगर बोलकर कहने वाले को देखा है? लेकिन ये अपने घर आकर अपनी बेटी का ध्यान रखने को कह रहा है। बेटी, ऐसे इंसान से प्यार करने के बाद अब सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, कंटिन्यू कर लो। उसके घर वालों से बात करके मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आप लोग नए हो? यस। हाय, आई एम विजय। बालू। ओके, कार्तिक। हाय हाय, हेलो हेलो। अरे प्लीज दो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, प्यार कर रहे हम लोग। वो लोग डीप अट्रैक्शन में है, छोड़ दीजिए। ए, किसने बोला ये? क्या मतलब हम लोग प्यार नहीं करते? प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें?
एक दूसरे के करीब आना ही प्यार होता है, जो हम कर रहे हैं वो अट्रैक्शन है। ऐसी फीलिंग्स को हमने 6 साल कंट्रोल किया है, हमारा प्यार है। हेलो, मैं भी चाहूँ तो 6 साल तक कंट्रोल कर सकता हूँ, समझ में आया? बोलना आसान है, करने पर पता चलता है प्यार करना कितना मुश्किल है। करके दिखाऊंगा तुम्हें, देखना तुम। हाँ देखो, इस तरह की फीलिंग को अगर हमने 6 साल तक कंट्रोल कर लिया तो वही सच्चा प्यार है, नहीं तो ये आकर्षण होगा, काम होगा, वासना होगी। बाय। पागल कहीं का, बहुत टेम्प्ट हो गया। 6 साल के बाद 6 मिनट के लिए एक बॉयफ्रेंड तैयार हुआ था। वाह, कलयुग की द्रौपदी। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। यहाँ बैठ सकते हैं क्या? जो सीट्स खाली है वो बैठने के लिए है भाई, बैठ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या लवर्स हो? अच्छा सर, इस कॉलेज में ज्यादा लवर्स क्यों नहीं दिख रहे? गुड क्वेश्चन। अभी प्यार पीजी में स्टार्ट नहीं होता है ना, कभी 9th में, कभी 10th में, और इंटर में स्टार्ट होकर फेल हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्यार को नापसंद करने वाले लोग बहुत हैं आजकल। वैसे भी लव फेल हो गया ना, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट प्रिंसिपल के साथ सुबह एक, दोपहर में एक, शाम में एक, रात में एक, ऐसे इंसानों को बदल कर घूमने वाले कुछ लोग हैं। वो क्या है ना, अब एज हो गई है, लाइफ में सेटल होंगे या नहीं, समाज में सिर उठाकर जी सकेंगे या नहीं, अब तो इन सब चीजों से तंग आकर लोगों ने प्यार करना ही छोड़ दिया है। अब तो कुल मिलाकर तुम दोनों को देखकर तुम्हारी तरह प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। ये पीजी है बेटा, अगर अभी भी प्यार में राजी नहीं हुए तो सारा फ्यूचर, सारी जिंदगी, माँ जी 1 रुपए दे दो, माँ जी 1 रुपए दे दो, ये बोलकर भीख मांगते हुए नजर आओगे। सुनो, अच्छी तरह पढ़कर लाइफ में सेटल हो जाओ, जाओ। ओके सर। ओके सर, बाय। अच्छा बताया, बड़े आए प्यार करने वाले। हाय 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 हाय। और क्या कर रहे हैं मास्टर? प्यार के पाठ पढ़ा रहा है। हैदराबाद को हैरत अंगेज करने वाले प्यार का एक गंदा रूप, दिल्ली के गैंगरेप को भूलने से पहले ही प्रेमी हैवान का एक और घातक कार्य, सुनसान जगह पर एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया। दिन पे दिन एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्यार में इस तरह के अटैक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे अनदेखा कर रही है। इस तरह के अटैक में सबसे ऊपर नाम आता है आंध्र प्रदेश का। पूरे देश में इस तरह के 3 लाख मामले सामने आए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जब धर्म का अंत होता है तो अधर्म का नाश करने के लिए फिर से जन्म लोगे, ऐसा कहा था। जवान बच्चे ऐसे पीड़ित होकर दुखी हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की जैसी हालत है, वो किसी और की ना हो। प्यार के नाम पे इस अधर्म को मिटाने के लिए तुम जल्दी आ जाओ प्रभु, जल्दी आ जाओ। ए बालू, क्या हुआ यार? उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? छोड़ ना यार, हमें क्या, छोड़। अगर अपने घर में ऐसा हो तो भी यही कहेगा बालू। एसिड अटैक के गुनहगार शहर के बाहर मैकेनिक शेड में है, ऐसी जानकारी मिली है। शक्तिशाली लोगों की वजह से पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही है, और एक मासूम इंसान पर इसका केस थोप रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर सच जानना हो तो इंतजार कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू जेमिनी न्यूज। ए बालू, बालू, बड़े बड़े स्कैम्स का परिष्कार खोजने वाले हम प्यार के विषय में क्यों चुप हैं? मतलब हम में से किसी को भी प्यार के बारे में क्लैरिटी नहीं है। कैमरामैन संतोष के साथ राजू रसोगी, TV9। इस लड़की ने प्यार करने का पाप किया था, इसलिए उसको पूरी जिंदगी नकाब में ही बिताना पड़ेगा। इतना बड़ा कांड करने वाले उस हैवान को क्या मिला आखिर ये करके? चाहे कितनी भी किताबें हम पढ़ ले, चाहे कितनी भी फिल्में क्यों ना देख ले, लेकिन ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली परिस्थिति है। कैमरामैन रवि के साथ स्पंदना, NTV। भाई जाकर आता हूँ। हा
ए, कोई आया देखो से। ए! ऐसे डालने वाला कहाँ है? पता नहीं भाई। पता नहीं? भाई, तो मार रहा है। तुम्हारे साथ मैं हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। तुम्हें 10 साल की उम्र में प्यार की फीलिंग हुई थी क्या? नहीं। 30 साल बाद हुई थी क्या? नहीं। तो उम्र के साथ आने वाली इस फीलिंग को प्यार का नाम देकर मारता क्यों है साले? तुम्हारी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 30 लड़कियां। तुम लोग एक ही लड़की से क्यों प्यार करते हो? बाकी 29 लड़कियां नहीं है क्या? उसका फिजिक पसंद आया इसलिए? बाहरी सौंदर्य को देखकर होने वाला अट्रैक्शन है, प्यार कैसे होगा? एक लड़की से प्यार करते वक्त उससे सुंदर लड़की को देखने पर तुम्हारा मन मचलता है या नहीं? नहीं। सच बोल। मचलता है। जब उस लड़की के साथ भी वैसा करना चाहते थे तो इस लड़की की जिंदगी क्यों खराब की? मेरे पास बताना, मार दूंगा। मैंने बहुत गलत किया भाई, पसंदीदा लड़की को पाना ही प्यार समझा था। सारा मीडिया उस संगठन को बहुत प्रचार कर रहा है भाई, उसे देखकर यूथ जल्दबाजी में डिसीजन लेने से पहले कुछ कीजिए भाई जल्दी। 6 साल के बाद 6 मिनट के लिए एक बॉयफ्रेंड तैयार हुआ। माँ जी 1 रुपए दे दो, ये बोलकर भीख मांगती हुई नजर आओ। प्यार के नाम पे इस अधर्म को मिटाने के लिए तुम जल्दी आ जाओ प्रभु, जल्दी आ जाओ। हम PhD करना चाहते हैं सर। वेरी गुड, टॉपिक क्या है? प्यार। व्हाट? प्यार पर आज तक किसी ने PhD नहीं किया? अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें नजर में रखकर इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बालू, मुझे डर लग रहा है। प्रेमियों की तरह हमें जीतना नहीं प्रिया, प्यार को जिताना होगा। प्यार को जिताने के लिए यूथ में प्यार के कंफ्यूजन को दूर करना होगा। इसमें एक दो नहीं, कई साल और सदियां लग जाएंगी। उग्रवाद, आतंकवाद, माफिया से ज्यादा प्यार एक बड़ा चैन किलर बन गया है। अब से प्यार के लिए बच्चों को खोने वाले माँ बाप, प्यार के लिए जिंदगी को बर्बाद करने वाले जवान बच्चे नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अगर आपके सब्जेक्ट में दम हो तो उमरी यूनिवर्सिटी से जरूर डॉक्टरेट देंगे। स्टार्ट कीजिए। बताता हूँ, आओ। आज इस फंक्शन में मीडिया का हिस्सा लेना और इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट होने का कारण एक नए टॉपिक प्यार पर एक जवान जोड़ी का रिसर्च करना है। प्यार के नाम पर हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
असल में सच्चा प्यार क्या होता है आजकल के प्रेमियों को बताने के लिए उन्होंने जो रिसर्च की है वो सचमुच अद्भुत है और अभिनंदनीय है। प्यार पर रिसर्च करने वाली पहली जोड़ी की तरह ये लोग इतिहास में याद रखे जाएंगे। सच में? क्यों नहीं यार, यूथ के बारे में कोई प्रोग्राम आ रहा है, चैनल चेंज करना। इन्हें डॉक्टरेट देने से पहले इन्हें ये थॉट कैसे आया इनसे ही जान लेते हैं हम। लेट्स वेलकम मिस प्रिया, प्लीज कम ऑन टू द डायस, प्लीज कैरी ऑन। सबको मेरा नमस्कार। किसी के प्यार को समझने के लिए एक दिन, एक महीना, एक साल लगता है, लेकिन हमें अपने प्यार को समझने के लिए पूरे 9 साल लग गए। किसी से भी अपने प्यार को जताने के बाद कुछ ही महीने में पैर फिसलने लगते हैं आजकल, लेकिन जवानी में आने वाली बैड फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाला महान प्रेमी है बालू। इस प्यार के सफर के बारे में अगर बालू बात करे तो अच्छा होगा। मैं ही। भैया 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 फोन रख दीजिए, पहले टीवी देखिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यहां जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग प्यार में हैं जान सकता हूं? ओह, आई थिंक माई क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहां बैठे लोगों में से कितने लोग पास्ट लवर्स हैं बता सकते हैं? वाओ, वेरी गुड। तो देखा, यहां बैठे लोगों में से 90% प्रेमी हैं, लेकिन सफल होने वाले 20% भी नहीं है, ओवरऑल पासिंग मार्क्स भी नहीं आए हैं, इसलिए आजकल प्यार ज्यादा फेल होता है। सारा मीडिया आपके वाक्यों के लिए इंतजार कर रहा है, बताइए प्यार पर रिसर्च करने की सोच आपको कैसे आई? प्यार में सारे यूथ अपने गोल को भूल रहे हैं, इसलिए हमने उसी प्यार को अपना गोल बना लिया है। आपको ये इंस्पिरेशन कहां से आई? मेरे पापा। हाँ, अगर मेरे पापा जैसे सबके पापा हों तो प्यार में दुखी होने वाला कोई नहीं होगा। आपने प्यार पे PhD किया है, प्यार और दोस्ती के बीच क्या फर्क होता है बता सकते हो आप? क्यों नहीं, हमारी रिसर्च के हिसाब से किसी का भी प्यार पहले दोस्ती से ही शुरू होता है। उस दोस्ती में स्वार्थ रखने वाले पसंद नहीं आने वाले दोस्त की तरह रह जाते हैं, तो स्वार्थ ना रखने वाले पसंद आने वाले लोग प्रेमी बन जाते हैं। यही प्यार और दोस्ती के बीच का डिफरेंस है। सुपर सर, प्यार के और आकर्षण के बीच का फर्क बता सकते हैं? Why not? फिजिकल टच से रिलेटेड बैड फीलिंग्स को कंट्रोल करना अगर प्यार है, तो उन फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाना ही आकर्षण है। अगर एक शब्द में कहना हो तो एक दूसरे से मेंटली पास आना प्यार है और फिजिकली पास आना आकर्षण है। प्यार करने वाले को ना पाकर भी उनके अच्छे के बारे में सोचना प्यार है, तो ना पाने पर बर्बाद करना ही आकर्षण है। जिसे प्यार करते हो उसी को अगर दुनिया मान ले तो वो प्यार है। जो अच्छे लगे उन सबको प्यार करना आकर्षण है। मन और कैरेक्टर देखकर प्यार होता है, तो सुंदरता और पर्सनैलिटी को देखकर आकर्षण। एक्सीलेंट सर, आज प्यार और आकर्षण के बीच यूथ में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आप और क्या पाना चाहते हैं सर? प्यार करने वाली लड़की के लिए ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां, प्यार के लिए जिंदगी कुर्बान करने वाला देवदास, पार्वती, रोमियो, जूलियट जिस तरह महान बने, वैसे ही दोस्ती, प्यार और आकर्षण की सही परिभाषा खोजने वाली पहली जोड़ी की तरह हम दोनों लाखों प्रेमियों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, और हम यही पाना चाहते हैं। आज आप प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिंदगी में सेटल होने से पहले प्यार करने वाले हमें जिंदगी में सेटल होना बहुत बड़ी बात लगी, लेकिन सेटल होने के बाद भी प्यार करने वालों को आज प्यार बहुत छोटी चीज लग रही है। अगर प्यार के लिए पेरेंट्स ना माने तो हम लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद हर एक दिन मेरा बेटा अब तक सेटल नहीं हुआ इसलिए वो सर उठाकर नहीं चल सकते, तो प्यार के नशे में हम सालों गुजार देते हैं। अगर सामने वाले के लिए खुद को त्याग करने वाला प्यार उस समय का हो, तो खुद के लिए दूसरों को बर्बाद करने वाला प्यार आजकल का है। प्यार जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन प्यार ही जिंदगी नहीं है। प्यार जवानी में होने वाली सिर्फ एक फीलिंग है, इसे प्रूव करने के लिए हमने अपनी जिंदगी त्याग दी। उस क्यूट फीलिंग को आप भी एंजॉय कीजिए, हम ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसे बीच में रखकर धमकाना, मरना, मारना कर रहे हैं, ये गलत है। प्यार में जीतने पर या हारने पर, कुछ हासिल करने या खोने की फीलिंग को मत रखिए। प्रेमियों के लक्षण के बारे में हमारी जिंदगी के अनुभव को इस बुक में सुरक्षित रखा है, अगर इसे फॉलो करें तो रियल लव के फ्लेवर को आप भी एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा प्रूव किया है। इसे सारी यूथ नोटिस करके खुद के लिए एक अच्छा मार्ग बनाएंगे और प्यार की एक नई सदी का निर्माण करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट टू माय डियर्स। ये साधारण इंसान नहीं है। प्यार जवानी में आने वाली सिर्फ एक फीलिंग है सर, आपने इसे प्रूव कर दिया, आपको हैट्स ऑफ सर। अगर आपके
के जैसे प्यार में बताने वाले होते तो अपने बेटे को कभी ना खोते सर। जवानी में आने वाले प्यार के आकर्षण के लिए जिंदगी ही गवा दी सर। उस बुक को मैं अपने हाथ से खुद बांटूंगा सर। आज से प्यार के नाम पे जिंदगी को बर्बाद करने वाले कहीं नहीं होने चाहिए सर, कहीं नहीं होने चाहिए। आपके बुक में जो चैप्टर है वो स्कूल और कॉलेज में लेसन की तरह पढ़ाना चाहिए सर। रियली फैंटास्टिक, थैंक यू सर। कई सदियों से युवा लोगों को बर्बाद करने वाला प्यार के आकर्षण की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए इन यंगस्टर का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ सर। इस पर आपका फीडबैक? प्यार पर कैसी पीएचडी सोचकर हंसते हैं, लेकिन अभी कई लोगों को इंस्पायर करने वाली इनकी सोच पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। We wish very successful future. ये बुक बहुत इंस्पायरिंग है। आज पब्लिक रिस्पांस देखने के बाद इस बुक के चैप्टर्स को हमारी यूनिवर्सिटी ने एक सब्जेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है।